आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग देखेंगे कि जब आप प्लांट्स को कंटेनर में लगाते हैं और स्टैंड पे रखते हैं या नीचे रखते हैं और या फिर आप उसको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो क्या केयर डिफरेंट होती है। आज मैंने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है फर्न। फर्न को आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं, कंटेनर में ज़मीन पे रखने के लिए या स्टैंड पे रखने के लिए, या फिर आप यूज कर सकते हैं इसी प्लांट को हैंगिंग बास्केट के लिए, और दोनों बहुत खूबसूरत लगते हैं। फर्न को एक सिरेमिक पॉट में लगाया हुआ है और अब दिखाती हूँ मैं जो हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है। वैरायटी फर्क है मगर है फर्न। ये फर्न है बॉस्टन फर्न, ये है गोल्डन फर्न जो कि हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है। इसकी केयर स्लाइटली डिफरेंट होगी और दोनों तरीके से लगा हुआ प्लांट ये बहुत प्रिटी लगता है। दोनों वैरायटीज फर्क है मगर दोनों ही फर्न है। जो हैंगिंग बास्केट में लगा रहता है उसको शेड में रखना बहुत जरूरी होता है। जो प्लांट हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है वो पूरे दिन डायरेक्ट सनलाइट है, रेन्स है, इसके अलावा गर्म हवाओं के लिए एक्सपोज रहता है, तो हार्श वेदर ये ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है। तो उसके लिए अगर शेड में रखेंगे, शेड लविंग प्लांट होगा, तो जैसे ये फर्न शेड लविंग है तो इसको शेड में रखेंगे तो इसके ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। जो हैंगिंग बास्केट में प्लांट होता है उसमें मॉइस्चर भी बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है क्योंकि मूवमेंट ऑफ एयर ज़्यादा होता है और ये चारों तरफ से एक्सपोज रहता है, एयर मूवमेंट सारे टाइम एक्सपीरियंस करता रहता है, और गर्म हवाएं हैं तो और जल्दी मॉइस्चर इसका एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर हैंगिंग बास्केट में प्लांट है तो उसकी वाटरिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, पानी थरली डाले ताकि ड्रेन होल से निकल आए, और इसको अच्छे से शावर भी कर सकते हैं ताकि इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे। फर्न एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है तो इसके लिए ये मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना। ये भी एक पेड़ के नीचे लगाया हुआ है जिससे इसको ह्यूमिडिटी भी मिल रही है और इवेपोरेशन भी कम है, इसका शेड है, फिल्टर्ड लाइट है, तो खाली पानी का ध्यान नहीं रखना है, लाइट की अमाउंट या सनलाइट कितनी रखते हैं, कहाँ रखते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको शेड लविंग प्लांट है तो इसको शेड प्रोवाइड करें, स्पेशली हैंगिंग बास्केट में डायरेक्ट सनलाइट ना रहे तो बेटर है। जो फर्न या प्लांट आप कंटेनर में लगाते हैं और स्टैंड पे रखते हैं या ज़मीन पे रखते हैं उसका एक और एडवांटेज होता है, इसको आप इजीली मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जब ये हैंगिंग बास्केट में होता है प्लांट तो एक जगह हैंग करने के बाद आप जनरली इसको मूव अराउंड नहीं करते हैं। वैसे तो कोई भी प्लांट हो, कैसा भी प्लांट हो, फ्लावरिंग हो या पेरिनियल प्लांट हो, उसकी लोकेशन कम से कम शिफ्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। प्लांट एक जगह के यूज टू हो जाता है तो बहुत जल्दी इसमें शिफ्ट ना करें तो बेटर रहता है, मगर शिफ्टिंग इसकी फिर भी ज़्यादा हो जाती है, ईजियर भी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।